हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास के अंदर JEE नीट का फाउंडेशन के अंदर फिजिक्स में हमारा मोशन का चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर हमने ग्राफिकल मेथड को कवर किया था कि ग्राफिकल मेथड से हम किस तरह से इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स उसको डिराइव किया था हमने, और उसके बाद हमने ग्राफ से समझा था कि न्यूमेरिकल किस तरह से कर सकते, ठीक है ना। उसी के न्यूमेरिकल्स आज हम कंटिन्यू करेंगे और आगे एक दो लेक्चर के अंदर हम ग्राफ पे काम करेंगे, ठीक है ना, दो तीन लेक्चर तक, क्योंकि इसके क्वेश्चन अच्छे हैं और एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर मेनली ग्राफ पे फोकस रहता है। क्योंकि अगर आपको ग्राफ समझ में आया इट मीन्स कि आपको चैप्टर समझ में आया, ठीक है ना। सो देखिए क्या है क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला है द वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ ऑफ अ लीनियर मोशन इज शोन इन फिगर, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इन 8 सेकंड। अब आपको डिस्टेंस पूछा गया, मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों निकालना, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा लिख लीजिए, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द गिवन फिगर, ठीक है ना। फॉर द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलिए ग्राफ दे रखा है हमको वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखो मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूं क्या गिवन है। आप एक क्वेश्चन को ढंग से समझेंगे बेटा तो आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझ लेंगे ना तो आगे क्वेश्चन हमारे इजी होंगे। देखिए ये वीटी ग्राफ गिवन है, मीटर पर सेकंड के अंदर वेलोसिटी गिवन है और टी गिवन है सेकंड, ठीक है। तो स्लॉट बना रखे 1 से लेकर 8 तक, तो ऐसा करता हूं मैं टी ग्राफ को थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप सोच रहे होंगे ऊपर क्यों बनाया है, इसलिए क्योंकि ग्राफ इस तरह से दे रखा है ना, तो उसके नहीं, ठीक है। अब ये कहां तक जा रहा है, वेलोसिटी जा रही है 1, 2, 3 और 4, ठीक है। वेलोसिटी ग्राफ 4 तक जा रहा है, मैक्सिमम 4 तक जा रहा, ठीक है। ये लीनियर है, सीधी लाइन बनाया, उसके बाद में कांस्टेंट वेलोसिटी कहां तक, 3 तक, कांस्टेंट वेलोसिटी। उसके बाद फिर से ग्राफ इस तरह से नीचे आता है, ठीक है, ये 4 है। उसके बाद में नीचे -2 तक जाता है, -1, अच्छा -1 वेलोसिटी कैसे, वेलोसिटी माइनस हो सकती है ना, क्या क्या शो करता है माइनस में, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है ना। तो जब भी वीटी ग्राफ के अंदर अगर आपको नेगेटिव में वेलोसिटी दे रखा है मतलब कि डायरेक्शन उल्टी है, समझे। -2 तक जा रहा है, अब -2 में 4 से लेकर 5 तक में -2 इस तरह से चल रहा है, 5 के ऊपर आके और 5 से लेकर 7 तक कंटिन्यू कॉन्स्टेंट है, और उसके बाद 8 पे जाके ये रुक जाता है, ठीक है ना। पार्टिकल का मोशन यहां से स्टार्ट होता है और इस तरीके से आगे चलता है। नाम दे दो फटाफट सभी के, ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट है, सी डी ई एफ जी, ठीक है। अब देखिए और पॉइंट कुछ रह गए जो उनको बीच वालों को नाम दे दिए मां बाद में। अब देखिए हमको क्या पूछा गया है, वीटी ग्राफ में हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा या एरिया निकालना पड़ेगा। भाई वीटी ग्राफ है तो जब आप वी बाई टी करेंगे मतलब स्लोप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। हमको क्या चाहिए, वी इंटू टी, वी इंटू टी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स, विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, ये हमको चाहिए। अब इसको चाहिए, इसको नहीं चाहिए, ठीक है। अब ये इसका मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व, वी इंटू टी करने का मतलब सीधा ऐसे नहीं कि वी इंटू टी कुछ भी आपने ठोक दिया, ऐसे नहीं। जो आपको ग्राफ दे रखा है ना उसका एरिया आपको निकालना, ठीक है, कैसे देखो। अब इस ग्राफ का एरिया आप निकालेंगे, जो पहले निकाल रहा हूं डिस्टेंस, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस ही गिवन है लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपको सिखा, तो पहला हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को एक्स नाम देते हैं। अब देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस ग्राफ का जो भी आपको एरिया दिख रहा है वो डिस्टेंस होता है, कैसे भाई। ये आपको शेप क्या दिख रहा है, फर्स्ट वाला शेप ट्राइंगल का दिख रहा है, सेकंड रेक्टेंगल का, थर्ड वाला ट्राइंगल का, फोर्थ वाला शेप, फिफ्थ वाला और सिक्स वाला, ठीक है। आप चाहे तो ट्रेपेज़ियम का फॉर्मूला लगा कर सकते हैं कि कौन सा शेप है, ये वाला ट्रेपेज़ियम है, ये भी ट्रेपेज़ियम है, ठीक है ना। तो ट्रेपेज़ियम का फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हैं। कुल मिला के आपको इस शेप का एरिया निकालना है। अब एरिया नहीं होता तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बोला एरिया निकालने का सबसे अच्छा मेथड ये कि बड़ा शेप दे रखा हो ना और आपको इस चैप्टर के अंदर ऐसे ही ग्राफ मिलेंगे,
बड़े बड़े ग्राफ मिलेंगे, आप उनको छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करें, आपको जो शेप आता है उसका आप एरिया निकाल सकते हैं ना। अब देखिए फर्स्ट वाला ध्यान से फोकस करें, फर्स्ट वाले का मैं एरिया निकाल रहा हूं। अब डिस्टेंस निकाल इतने क्या करूंगा, एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, ठीक है ना। एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड इंटू में हाइट कितनी है, जीरो से लेके कहां तक जरा फोर तक, इंटू में फोर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कट के कितना है टू, ए वन कितना आ गया टू, टू मीटर एरिया है तो मीटर होता है। दूसरा वाला ए टू निकालते हैं फिर सबको ऐड कर देंगे लास्ट के अंदर, आसान है। सेकंड वाला शेप कौन सा दिख रहा है आपको, रेक्टेंगल दिख रहा है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेस बेस इंटू हाइट जो भी आप कहते हैं, ये कितना है वन से लेके टू तक, तो कितना हो गया टू इंटू में ये लेंथ कितनी है हाइट कितनी है फोर, ठीक है कितना हो जाएगा एट, आपके पास ए टू कितना है एट। इसी तरह से तीसरा वाला, अब तीसरा वाला शेप अगर आप में थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है तो आप देखिए भाई ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बराबर है, क्यों, क्योंकि यहां पे भी क्या है वन का गैप आ रहा है और इसकी भी हाइट कितनी फोर है, तो वन बाई टू इंटू वन इंटू फोर फिर से डबल क्या आएगा टू आएगा, ठीक है। तो मैं ए थ्री डायरेक्ट लिख रहा हूँ टू मीटर, भाई समझ में आ रही बात, ठीक है ना। तो ये आपने तीन शेप का आइडिया निकाल लिया, ऐसे ऐसे इन तीन शेप का आइडिया निकाल लेते। चलिए फोर्थ वाला पार्ट, फोर्थ वाले पार्ट का एरिया निकालने के क्या करेंगे, ए फोर, ए फोर इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है फोर से लेके फाइव जरा मतलब वन का गैप, तो बेस कितना है वन, अरे समझ रहे बात को, और हाइट कितनी है देखो अब जीरो से लेके टू तक गया है, अब डिस्टेंस को तो कोई मतलब नहीं है, माइनस टू है कि प्लस टू है, वो तो क्या दिखाएगा प्लस का टू, ठीक है टू से टू गया, एरिया कितना आ रहा है ए फोर कितना आ रहा है वन, सही लिखा बेटा कोई गलती नहीं। अब चलिए फिफ्थ वाला ए फाइव की बात करें, ए फाइव फिर से क्या बन रहा है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहां से कहां तक जा रहा है फाइव से लेके सेवन तक मतलब कितना हो गया टू, और हाइट कितनी आ गई टू, सो टू इंटू टू करेंगे कितना आ जाएगा फोर, सो ए फाइव कितना आ रहा है फोर। अच्छा उसी तरह से ए सिक्स मैं नीचे लिखू, सिक्स वाला ए सिक्स, ए सिक्स की बात करें तुमने सेवन एट तक कर लिया इतने है नहीं, सॉरी ठीक है। सिक्स वाला लास्ट क्या है, ट्राइंगल है फिर से, ये वाला ट्राइंगल फिर से क्या बनेगा वन बाय टू इंटू बेस कितना है सात में से आठ में सात गया एक, सो वन बाय टू इंटू वन इंटू हाइट कितनी है टू, क्या कहते हो सही, टू से टू गया कितना आ रहा है वन मीटर, मीटर लिखना बेटा मत भूलिएगा ठीक है ना। मैं हमेशा कहता हूँ आपको मैं यूनिट भूल जाऊँ आप ना भूलें, क्योंकि यूनिट के बिना क्या करेंगे, कौन से क्या चार ये क्या आठ क्या गधे घोड़े क्या है, ये यूनिट है इससे पता चलता है मीटर। अब ये सारी जो डिस्टेंस आई वो मीटर के अंदर आई, अब एक ऑब्जेक्ट का कुल मिला के यहां से जर्नी स्टार्ट हुआ था, और वो पहले ये ग्राफ समझाता हूं आपको, ये ग्राफ का ही सुनना है एरिया कैसे निकाला। अब देखिए कि इस ग्राफ का फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसे है, मतलब ये ग्राफ किस पार्टिकल का है, भाई एक गाड़ी यहां पे थी ठीक है ना, मान लीजिए कार है वो, उसका वीटी ग्राफ इस तरह से स्टिप आ रहा है, मतलब कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या वेरी वजह से बताइए, भाई वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है स्लोप कैसा पॉजिटिव, तो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है आप देखिए ठीक है ना। अब ये वेलोसिटी यहां से लेके यहां तक इंक्रीज हुई, उसके बाद में अगले दो सेकंड के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट है, उस व्हीकल ने कोई वेलोसिटी को चेंज नहीं किया, पहले उसकी वेलोसिटी 1.0 थी, फिर 1 मीटर पर सेकंड हुई, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड इसने 1 सेकंड के अंदर कवर कर ली, फिर 2 सेकंड से लेकर 3 सेकंड तक, सॉरी 1 से लेकर 3 तक इसने 4 मीटर पर सेकंड से चला, फिर उसकी स्पीड अचानक क्योंकि स्पीड ब्रेकर वगैरह आया उसने अपनी स्पीड को डिक्रीज किया, तो वेलोसिटी नेगेटिव आई, वेलोसिटी का स्लोप कैसा नेगेटिव और उसकी स्पीड डिक्रीज होके 4, 3, 2, 1 करते हुए जीरो पे आ गई, अरे बात क्लियर है ठीक है ना। उसके बाद ऐसे मानिए अब देखिए, अब उसने वेलोसिटी को फिर से इंक्रीज किया, डिक्रीज नहीं किया लेकिन उसने क्या किया अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, जब उसका ग्राफ पॉजिटिव से नेगेटिव में आया किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, आप ऐसे समझिए पार्टिकल को ऊपर फेंका ठीक है ना, वेलोसिटी कैसी पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव क्योंकि एक्सेलरेशन सॉरी अर्थ की ग्रेविटेशन के अपोजिट जाएंगे तो वेलोसिटी कैसी नेगेटिव, नेगेटिव वेलोसिटी जा रही है
अब नेगेटिव जा रही है उसके बारे में वापस नीचे आएगा पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी कैसी हो जाएगी पॉजिटिव। तो नेगेटिव से पॉजिटिव आया इट मींस कि उसकी डायरेक्शन बदली कि नहीं बदली। तो मतलब वीटी ग्राफ के अंदर जब भी आपको डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है इट मींस कि पार्टिकल ने पलटी मारी, मतलब वो पार्टिकल घूमता है अपनी जगह से, डायरेक्शन को उसने चेंज किया, ठीक है ना। अब डायरेक्शन चेंज करने के बाद उसने फिर से अपनी स्पीड को बढ़ाया, स्पीड कितना बढ़ाया 1 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड तक स्पीड उसने बढ़ाया। फिर उसकी स्पीड क्या है कांस्टेंट, कहां से लेकर 5 सेकंड से लेकर 7 सेकंड तक, 2 सेकंड तक ये फिर से क्या चला कांस्टेंट स्पीड से। फिर आगे कुछ व्हीकल आया या स्पीड ब्रेकर वगैरह आया, उसने फिर से स्पीड को डाउन किया और फिर से उसकी स्पीड कम हुई और कहां तक आई 8 तक, मतलब 8 सेकंड तक वो अपने जगह पर वापस आकर रुक गया। बात समझ आ रही, ठीक है ना। ये एक पार्टिकल की जर्नी थी, मैंने आपको समझा दिया ग्राफ से। अब मैं कहता हूं पार्टिकल गया और वापस आया, पूरे केस के अंदर डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगी और डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता डायरेक्शन क्या रही है। तो ये पार्टिकल जो भी डिस्टेंस कवर किए पूरे ग्राफ की डिस्टेंस होगी जो हमने अभी निकाला है वेरियस पार्टिकल के अंदर, ठीक है ना। आपको जो भी शेप दे रखा हो, ऐसा नहीं हमेशा आप रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना के हमेशा बस आपने चिपका दिया, ऐसे नहीं, जो शेप दे रखा है उसके हिसाब से चलना है, ठीक है ना। कभी कभी शेप आसान होता है, कैसे होता है, सीधा ये इस तरह से दे रखा होता है, दो रेक्टेंगल बनते हैं आसान से निकल जाता है ये लंबा दूसरी। अब सभी एरिया डिफरेंट तरीके से निकाल लिया, सभी को ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए मैं सीधा ऐड कर लूं कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख लेता हूं। बच्चा बोलेगा सर ऐसे कैसे, 2 फिर 8, फिर से A3 कितना आ रहा है 2, A4 कितना आ रहा है 1, A5 4 और 1, ठीक है ना। कितना हो गया 10 12 13 17 और 18, तो 18 मीटर आपका क्या आ गया डिस्टेंस आ गया, क्या आ गई, मैं बार बार बोल रहा हूं डिस्टेंस आ गई बेटा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, क्या ही डिस्टेंस आई, ठीक है। अब आप मेरी बात समझ तो गए होंगे मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्यों बोला, आपने जो क्वेश्चन पूछा था वो तो हमने कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट हम एक्स्ट्रा निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट के लिए कैसे निकालेंगे सर। अब डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, उसका नेचर क्या है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप सोचिए कि पार्टिकल पॉजिटिव स्पीड से रवाना हुआ, उसकी स्पीड इंक्रीज हुई, ठीक है ना, फिर उसने स्पीड कॉन्स्टेंट की और एक जगह पर जाके वो रुका, ठीक है। उसके बाद वो रिटर्न हुआ वापस वेलोसिटी नेगेटिव में और वापस रिटर्न हुआ, उसकी स्पीड इंक्रीज की कॉन्स्टेंट हुई और फिर से वो एक जगह पर आके रुक गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आप सोचिए, मैं आप कैसे बोलता हूं, मैं पार्टिकल ऐसे गया ए पॉइंट पे था, यहां से पार्टिकल ऐसे गया और बी पर आया, फिर से उसने बी से रवाना वापस हो गया और ये पॉइंट सी है यहां पर आया। अब मैं आपसे पूछूं कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, भाई डिस्टेंस तो कितना होगा ए से बी गया, सपोज ए से बी जाने में इसको डिस्टेंस लगी है 15 मीटर, मान लीजिए 15 मीटर और ये कितना लगा है 5 मीटर, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कितनी होगी 15 प्लस 5 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो 15 तक गया वापस में 5 मीटर वापस आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना बचा, ये वाला पार्ट कितना बचा 10 मीटर, ठीक है ना। अभी आप इसको बात को दिल पे नहीं ले कि सर छोटा बंदा ऐसा कुछ नहीं, आप समझिए डिस्प्लेसमेंट कितना आया 10 मीटर आया कि नहीं आया, बात क्लियर ना, वही बात यहाँ पे होगी। अब निकालते हैं सेकंड पार्ट डिस्प्लेसमेंट, इसको नोट करें एक बार के लिए, मुझे वाला नोट करें, मैं खैर उसको बता देता हूँ डिस्टेंस का। अब क्या चेंज होगा सर, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन ऐसे कैसे, पूरे क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं, कहां चेंजेस है वो समझाते हैं। आप देखिए कि पॉजिटिव ग्राफ हमेशा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तब तक पॉजिटिव है, तो 1 2 3 डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कैसे होंगे पॉजिटिव, लेकिन एरिया जो आपके आए हैं ना बाकी वो क्या होंगे नेगेटिव। एरिया नेगेटिव होता नहीं है, ना ही डिस्टेंस नेगेटिव होती है, लेकिन ये नोटेशन दिखाने का साइन है, ठीक है, दिखाने का साइन है। तो हम इसका एरिया नेगेटिव बता रहे हैं, मतलब इसको क्या -1 पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे -4, इसको पढ़ेंगे -1, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं सेकंड डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए वही एरिया ऑफ, अब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस एरिया ऑफ 4 प्लस 5 प्लस 6, क्या कहते हो, ठीक है। मतलब भाई डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर फर्क इतना ही तो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का, ठीक है ना। चलिए अब एरिया ऑफ 2 प्लस 8 प्लस 2, ये तो आ गया पॉजिटिव, अच्छा नेगेटिव के अंदर कितना है 1 प्लस 4 प्लस 1, बेटा बात सुन आ रही आपको, ठीक है ना, ये कितना हो गया 12 और ये कितना हो गया 6, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 6 मीटर। बात आपको समझ में आ गई ना, ठीक है ना, बस नोट कर लीजिए इसको। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, अ ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, ध्यान से नोट कर लें, अ ग्राफ बिटवीन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एंड द डिस्टेंस इज मूव्ड बाय द पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। अब स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के अंदर ग्राफ दे रखा है, ठीक है ना, मतलब vt की जगह v स्क्वायर t दे रखा है या v स्क्वायर d दे रखा है, ठीक नहीं, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, एक ग्राफ दे रखा है हमको, मैं पहले ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ये है v स्क्वायर जो कि आपको दे रखा है किलोमीटर किलोमीटर स्क्वायर पर आर स्क्वायर, ठीक है ना, समझ गए, किलोमीटर पर आर का स्क्वायर मतलब इसका पूरे का स्क्वायर, और दे रखा है किलोमीटर के अंदर, और ये क्या चीज है, एक्स। अब आप सोचिए एक्स है, ठीक है ना, अब आप सोचिए कि आपने अब तक तो ग्राफ कौन कौन से देखे, vt ग्राफ देखा, at ग्राफ देखा और xt ग्राफ देखा, ये ग्राफ दे रखा है v स्क्वायर और x के अंदर, लेना देना नहीं कुछ, असर इसका एरिया वगैरह कुछ नहीं, आपको जो पूछा वो निकाले आप पूछा, ठीक है ना, जो आपको दिख रहा है एक पार्टिकल की स्पीड कैसे वेरी कर रही टाइम के साथ में या डिस्टेंस के साथ में, अब यहाँ पे एक पार्टिकल की स्पीड का स्क्वायर डिस्टेंस के साथ कैसे बदल रहा है वो दिखाया गया है। भाई ग्राफ जो होते हैं दुनिया में जिसमें वो क्या करते हैं बेटा, ग्राफ आपको किसी भी दो चीजों के बीच में ग्राफ आपको क्या दिखाते हैं, आपको वो एक रिलेशन दिखाते हैं कि भाई एक का दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंडेंसी है, एक ग्राफ एक पार्टिकल की या एक सब्सटेंस की या एक क्वांटिटी की फिजिकल क्वांटिटी की दूसरे के ऊपर किस तरह से डिपेंडेंसी है ना, वो आपको ग्राफ दिखाता है। आपने बोला कि वेलोसिटी टी ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी आपकी टी के साथ में कैसे बदल रही है ना, वो आपको वीटी ग्राफ से पता चलता है, एक्सटी ग्राफ से आपको डिस्टेंस टाइम के साथ कैसे बदल रही है वो पता चलता है, ठीक है ना। अब आपको दे रखा है कि वी स्क्वायर एक्स, मतलब कि भाई वेलोसिटी का भी स्क्वायर वो डिस्टेंस के साथ कैसे बदल रहा है ना, वो आपको इस ग्राफ में दे रखा है, बस समझा रही हूँ, इसमें घबराए नहीं सर, हमको ये ग्राफ पढ़ाई नहीं दुनिया में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, बच्चा देखिए घबराए भी छोड़ दे क्वेश्चन, अब देखो क्या क्या डिजिट दे रखी है, और ये वाला पॉइंट दे रखा है 3600, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट दे रखा है 3600, और ये वाला दे रखा है, ठीक है ना, 3600 और ये, तो ये आपको दे रखा है 60 और ये आपको दे रखा है 30, ठीक है ना, तो ये 30 मीटर पर सेकंड, ये 60 मीटर पर सेकंड, आप स्क्वायर दे रखा है तो आप स्क्वायर में रूट निकाल सकते हो ना, और आपको मीटर कितना दे रखा है 0.5 किलोमीटर है, 0.5 किलोमीटर है, अब 0.5 किलोमीटर मतलब मीटर कितना 500 मीटर, ठीक है ना, और यहां पे जीरो है। अब आपको पूछा क्या गया, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो बेटा जो चीज आपको दिख रही है वो आप लिखना शुरू करें, भाई पार्टिकल की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से शुरू हुआ पार्टिकल, वो धीरे 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 वो यहां तक आया, फिर उसकी अचानक से उसने अपने आपको ड्रॉप कर दिया, उसकी स्पीड यहां पे आगे जीरो हो गई, जीरो यहां पे आगे स्पीड नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो दिखा रहा है, कैसे, आपको जो देखा है वो लिखी, गिवन क्या क्या है, गिवन है हमको यही लिख लेता हूं, गिवन गिवन है हमको वी स्क्वायर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना दे रखा है 36 किलोमीटर पर आर, 36 किलोमीटर का स्क्वायर पर आर का स्क्वायर, किलोमीटर पर आर का भी स्क्वायर, ठीक है ना, सही। उसके बाद v स्क्वायर मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है, देखो यहां से आया यहां तक आया, फाइनल वेलोसिटी कितनी देखी 900 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको आगे क्या, आपको एक्सेलरेशन पूछा गया, एक्सेलरेशन के अलावा डिस्टेंस भी आपको दे रखा है, तो डिस्टेंस s कितना दे रखा है 0.5 किलोमीटर। अब सब कुछ किलोमीटर के अंदर, किलोमीटर आर के अंदर बात हो रही है ना, तो आप उसको एक तरह से एमकेएस मान सकते हैं, एमकेएस नहीं है लेकिन आपको सारा ये सिस्टम एक के अंदर दिख रहा है ना, किसी भी एक यूनिट सिस्टम के अंदर होना चाहिए, एक के अंदर दिख रहा है। हमको क्या निकालना, a, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है, आपने जब ये सब देखा तो आपको फॉर्मूला ये याद आ रहा होगा, थर्ड वाली इक्वेशन v स्क्वायर प्लस 2as, यहां से आप मुझे a की वैल्यू बता सकते हैं, a इज इक्वल टू क्या आएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 इनटू s, क्या कहते हो, सही लिखा, अच्छा, सो आप वैल्यू पुट करें, v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 900
माइनस 3600 अपॉन 2 इनटू में 0.5। क्लियर। अब 0.5 को अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया 1 हो गया। नीचे वाली पार्ट की कितनी होगी 1, अरे भाई ये कितना हो गया 1, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन आपका यहां से कितना आया, एक्सेलरेशन 900 में से 3600 जाएंगे, कितना बचेगा बेटा 27, सही लिखा है 27, और क्या आएगा मीटर, सॉरी किलोमीटर। अब देखिए यहां जो एक्सेलरेशन आ रहा है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगी, किलोमीटर स्क्वायर अपॉन आर की पावर, ठीक है, नोट कर लीजिए। यहां पे आपको दे रखा है किलोमीटर पर आर का स्क्वायर, अच्छा सॉरी 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 एक मिनट, ये बेटा गलती कर ली, किलोमीटर पर आर का स्क्वायर आपने किया, मतलब आपने ए स्क्वायर निकाला भाई। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर पर आर के अंदर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, किलोमीटर पर आर का स्क्वायर, किलोमीटर का स्क्वायर आर स्क्वायर 4 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर आप ए स्क्वायर करोगे ना तो आएगा किलोमीटर का स्क्वायर अपॉन में आर की पावर 4, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन आ गया, अरे और एक्सेलरेशन बहुत ध्यान से देखिए बेटा, नेगेटिव आ रहा है, मैंने यहां देखा 900 में से 3600 जाएगा तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 2700 आपका एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है ना। मतलब रिटार्डेशन एक तरह से दिख रहा है, पार्टिकल की स्पीड आप देखिए कि एग्जैक्टली कम हो रही है, तो रिटार्डेशन रिटार्डेशन कितना आ रहा है, माइनस 3700, नोट कर लीजिए। दिखने में बिल्कुल छोटा क्वेश्चन आप देखिए, लेकिन बहुत खतरनाक क्वेश्चन, आपको पता ही नहीं चलता कि ग्राफ कहां शुरू हो रहा है, लेकिन नॉर्मल, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो रहा है। बाकी बातें कल करेंगे, थैंक यू।